आज मैं आपके साथ एक बाइबल के एक पैसेज को बांटना चाहता हूं, जो आप अपने बाइबल से मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 46 से लेकर 52वें पद तक हम देखेंगे और यहां कुछ अच्छी बातें हम सीखेंगे। तो आप आपके बाइबल में देख लीजिए, आपकी जो भी लैंग्वेज है, मैं आप सबका तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और इस बाइबल स्टडी में, बाइबल के इस संदेश में आपको ले जाना चाहता हूं। और आप अपनी बाइबल में देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 40 से 52 तक, मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 to 52। सो आप लोगों ने निकाली होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ता हूं और फिर आपके साथ आज का वचन हम बांटेंगे। यहां पर लिखा है 46वें वचन से, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नाजरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालांकि ये बाइबल का जो पैसेज है, बाइबल की जो ये वचन है, हमने बार बार पढ़े हैं, बहुत इसके बारे में गहराई से जानते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी सच्चाई आपके साथ बांटना चाहता हूं जो मेरे जीवन में बनी है, आपके जीवन में भी बनी है। और ये वचन आज मुझे और आपको एक नई दृष्टिकोण की तरह कुछ वचन दिखाएंगे, कुछ खुलासा दिलाएंगे, कुछ अंदर से रेवलेशन हमें मिलेगा। और सबसे पहले मैं 40 वचन के कुछ शब्दों को पढ़ना चाहता हूं, दोबारा आपके साथ इन शब्दों को दोहराना चाहता हूं, आप बड़े ध्यान से इनको सुनिए। वे यरीहो में आए। हम जानते हैं कि यरीहो के बारे में हम लोग पासवान लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से यहोशू उसके 6वें अध्याय की कहानी को बहुत बखूबी जानते हैं कि यहोशू उसके 6वें अध्याय में क्या घटना घटी थी। वी नो एवरीबॉडी, हम लोग जानते बहुत अच्छे से। लेकिन यहां पर मैं पुराने नियम की बात और नए नियम की बातों को जोड़ते हुए पुराने जीवन और नए जीवन की कुछ बातें करना चाहता हूं जो मेरे जीवन में ये घटी है। आध्यात्मिक रीति से मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा आज। यहां पर लिखा है, वे यरीहो में आए। कौन कौन आया जब हम देखते हैं, और वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। बड़े ही साधारण शब्दों में मरकुस ने हमें यहां पर वर्णित किया है कि तीन शब्दों पर पहले हम देखते हैं, फिर दोबारा दूसरे तीन शब्दों को देखेंगे। वहां लिखा है वह, यानी यीशु मसीह। जानबूझ के यहां पर यीशु मसीह नहीं लिखा, जानबूझ के यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। वह लिखा है क्योंकि वो कौन है, उसे मैं मुझे भी जानना है और उस अंधे व्यक्ति ने भी जाना है, इसलिए जानबूझ के यहां पर यीशु शब्द नहीं लिखा। वह शब्द हिंदी में लिखा, एक व्यक्ति के रूप में लिखा है, और आगे कहा है चेले, और तीसरा शब्द है बड़ी भीड़। अब बड़े ध्यान से सुनिए, वह लिखा यानी कोई इंडिकेशन हमें नहीं दिया। यदि कोई नया विश्वास हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी हो, उस व्यक्ति को इस पैसेज से यदि हम पढ़ाए तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहला जो शब्द वह लिखा है उसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हमें कोई भी परिचय नहीं मिल रहा। यही संसार का चित्र है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग भली भांति नहीं जानते, उनको यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो एक अनजान व्यक्ति की तरह, जैसे दूसरे आए, जैसे बड़े बड़े कुछ अवतार कहे जाते हैं, राजा कहे जाते हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े लोग आए, उसी तरह से यीशु मसीह के बारे में भी लोग नहीं जानते। इसलिए जानबूझ के मरकुस यहां पर वह शब्द लिखकर यीशु मसीह का हमें बहुत छोटा सा एक परिचय देता है, और उसके बाद उसके चेले और बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। हम जानते कि यरीहो पुराने नियम में जो घटना हमें बताती है
वो यहोशू उसका छठवां अध्याय 1 से 20 वचनों में यदि हम पढ़ते हैं उस पैसेज को, उस बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि जब प्रभु के लोग उस यरीहो से बाहर जाना चाहते तो वहां पर सहरपना, जो उर्दू वर्ड है सहरपना, हिंदी में कहे तो दीवार थी जो उस शहर की सुरक्षा करती थी, और वहां से गुजरना मानो कि नामुमकिन सा था। इसी तरह से इस दुनिया में पाप से बाहर निकलना नामुमकिन था, क्योंकि शैतान ने हमारे इर्द गिर्द ऐसी पाप की दीवार खड़ी कर दी थी कि हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। तो ये पुराने नियम की कहानी है, लेकिन वहां पर हम देखते कि 6 दिन तक ये लोगों ने एक एक चक्कर लगाया, 6 दिन में पूरी दुनिया बनी। हम जानते हैं पुराने नियम की सारी बातें, लेकिन 7वें दिन 7 बार उन्होंने रणसिंगा फूका और परमेश्वर की महिमा की और ऊंचे शब्दों से उन्होंने पुकारा, और हम सब जानते हैं कि वहां पर यरीहो की दीवार, वो जो शहर पनाह थी, जो शहर की सुरक्षा करने वाली दीवार थी, वो गिर गई। ये पुराने नियम की कहानी, लेकिन नए नियम में हम देखेंगे क्या होता है। पुराने नियम में हम भौतिक दीवार को देखते हैं, लेकिन नए नियम में आध्यात्मिक दीवार को देखते हैं। पुराने नियम में वाचा के संदूक को लेकर यहाँ वहां पर इर्द गिर्द घूमना पड़ा, 7 दिन लगे वहां पर, और उसके बाद 7वें दिन हम जानते हैं कि क्या हुआ और वो दीवार गिर गई। लेकिन आज नए नियम की जमाने में, आज के जमाने में ये दीवार आज भौतिक दीवार नहीं है, आज आध्यात्मिक दीवार है। और ये आध्यात्मिक दीवार ये चीज है कि जो इंसान परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहा, इसीलिए जानबूझ के मरकुस ने यहाँ पर यीशु शब्द या इस यीशु के बारे में कोई भी ज्यादा शब्द नहीं लिखे। तब यहां पर आगे वचन कहता है, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यहाँ पर जो व्यक्ति का वर्णन हमें दिया गया, उस व्यक्ति का भी कोई नाम नहीं है। मैं बड़े ध्यान से आपको इस बात का स्पष्टीकरण करवाना चाहता हूं कि जो अंधे व्यक्ति का वर्णन हम सुन रहे हैं ना, उसका भी कोई नाम नहीं है। जिस तरह से वह लिखकर मरकुस के द्वारा पवित्र आत्मा हमें सिखाती है कि उस व्यक्ति का वर्णन हमें नहीं मिल रहा जो ये आ रहा है अंदर, क्योंकि हम यदि 46वें वचन से पढ़ते हैं, आगे कुछ भी नहीं जानते हैं, तो यीशु मसीह के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अंधा है और भिखारी है, उसके नाम का भी वर्णन नहीं लिखा है। हालांकि जो लिखा है उसका मैं तात्पर्य समझाना चाहता हूं। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, जो बार वर्ड है या बर वर्ड है, उसका उस शब्द का मतलब होता है बेटा, और तिमाई का मतलब होता है उसके पिता का नाम। यानी कि वास्तविक रीति से देखा जाए तो इस व्यक्ति का भी कोई नाम नहीं है। इस व्यक्ति की पहचान है कि वो तिमाई का बेटा है, बार यानी बेटा, तिमाई यानी कि तिमाई, यानी कि तिमाई का बेटा है, लेकिन इसका व्यक्तिगत कोई नाम नहीं है। वो भी एक बेनाम व्यक्ति है, उसके बारे में कोई कोई जानता नहीं है। हाँ, वो जानते हैं कि वो तिमाई का बेटा है और वो अंधा है और वो भिखारी है। लेकिन दो जो शब्द हम पहले सुने वो था उसके चेले, और दूसरा था बहुत सारी बड़ी भीड़। वहां पर हम देखेंगे वो चेले को शब्दों को हम जोड़ेंगे अंधे भिखारी के साथ। ये अंधा जो भिखारी था वो खुद एक कदम भी बढ़ा नहीं सकता था, लेकिन चेले ने विश्वास किया था। हालेलुया, चेलों ने विश्वास किया था। हम जानते हैं कि अंधा भिखारी एक कदम बढ़ा नहीं सकता अपने आप से, किसी और व्यक्ति का सहारा उसे चाहिए। लेकिन ये जो चेले हैं, वो चेलों ने सबसे पहले, हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जा रहा है। उस बात को सुनकर दो चेले ने वहां यीशु के पीछे चलने लगे। उनके दो भाई आए, वहां 4 चेले हुए, उसके बाद 12 चेले, उसके बाद और 70 चेले। इस तरह से चेले बढ़ते गए, क्योंकि उन्होंने सुना, उन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने समझा, उन्होंने विश्वास किया। लेकिन बर्तिमाई ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अंधा था, वो एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता था। ये संसार के लोग ऐसे ही प्यारे दोस्त, एक कदम भी विश्वास में बढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें शैतान ने बांधी हुई है। उनकी आत्मिक आंखें बंद है, जिस तरह से पुराने नियम के यरीहो शहर की बात हम करते हैं, वो भौतिक रीति से दीवारों से बंधा हुआ था। उसकी शहर पनाह को बनाया गया था, उसकी शहर की सुरक्षा के लिए बड़ी सी दीवार बनाई गई थी, जिसे ना तो कोई लांग सकता था ना कोई तोड़ सकता था। इसी रीति से नए नियम में या आज के जमाने में देखें तो दिमाग में उतरना बहुत मुश्किल है आज लोगों को, लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद है। तो यहां पर वह यानी यीशु मसीह और वो बर्तिमा यानी उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, चेले यानी अंधा भिखारी को भी दर्शा रहा है, लेकिन एक तरफ अंधा है लेकिन चेले लोगों ने विश्वास किया। तीसरा जो है बड़ी भीड़ है,
बहुत सारे लोग जा रहे हैं उसके पीछे पीछे, लेकिन ये व्यक्ति बैठा है। यानी कि तीसरा जो पद हमने देखा, तीसरा जो शब्द हमने देखा वो था बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे हो ली थी, उनके पीछे पीछे जा रही थी, वो विश्वास के साथ जा रही थी कि प्रभु यीशु मसीह में आशीष देंगे, प्रभु यीशु मसीह में चंगाई देंगे, प्रभु यीशु मसीह में बरकत देंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को उद्धार करेगा, इसी उम्मीद के साथ वो लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। लेकिन ये जो अंधा भिखारी था वो बैठा था, दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। बहुत सारे लोग यीशु के पीछे जा रहे थे लेकिन ये अंधा भिखारी बिल्कुल बैठ चुका था। ये हमारी आध्यात्मिक परिस्थिति को दर्शाता है कि आज आध्यात्मिक तौर पे नए जमाने के लोग, मॉडर्न लोग बिल्कुल बैठ चुके हैं। पहली बात तो है वो लोग अंधे हो चुके हैं, आध्यात्मिक रीति से यीशु मसीह को नहीं जानते, जिनमें खुदावन को वो नहीं जान रहे, और दूसरा वो बैठ चुके हैं। उनके पास भीख मांगने के अलावा, पैसा कमाने के अलावा, दुनिया की बातों को इकट्ठा करने के अलावा और कोई मकसद नहीं है। उनके उनको ना तो यीशु के बारे में कोई मालूम है, ना यीशु को जानना चाहते हैं। उनके पास तो बस एक ही मकसद है जीवन का, कहीं ना कहीं मेरा रोजगार चलता रहे, कहीं ना कहीं मेरा जीवन सुख शांति में चला रहे, बस मैं अच्छे से वैभव से अपना जीवन गुजार, यही उम्मीद में इंसान अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। लेकिन यहां पर बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी। बड़ी अच्छी हम बात सीखेंगे आगे, लिखा है उसका वर्णन अंधा था और बैठा था, लेकिन बहुत अच्छी बात 47 वचन कहता है हमें, 47 वचन कहता है, वह यह सुनकर, देखो यहां जानबूझ के ना तो तिमाई का बेटा लिखा है, ना अंधा लिखा है, ना भिखारी लिखा, वह लिखकर जानबूझ के उसके व्यक्तित्व को बहुत छोटा बताया गया है। इस दुनिया में प्यारे दोस्तों बहुत छोटे इंसान है, बहुत मामूली लोग है, हमारे पास ना तो कुछ हम लेके आए हैं ना कुछ लेके जाने वाले, लेकिन वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह पर यदि हम भरोसा करते हैं ना, तभी हमें जीवन और उद्धार और अनंत जीवन मिलेगा। वह यह सुनकर कि यीशु नाजरी है, बड़े ध्यान से आपको ये सुनना होगा, हमको समझना होगा, वो देख नहीं रहा था लेकिन समझ रहा था। आज हमें समझना चाहिए कि वो कौन है। मुझे और आपको भली भांति हम जानते लेकिन दुनिया के लोग नहीं जानते, हमें ये उनको बताना है कि यीशु नाजरी है। आप देखिए यरीहो शहर की कितनी बड़ी बात है, वो पुराने नियम में भी हम देखते हैं, नए नियम में बहुत बड़ा वो एक व्यापार का केंद्र था, धर्म का केंद्र भी था यरीहो, बहुत बड़ा शहर था। और मैं आपको ये भी अवगत करा दूं, यरीहो का जो मतलब होता है उसका दो मतलब होते हैं, ये एक यूना है, एक कनानी शब्द है और इसका मतलब होता है रीह पर से ये शब्द आया है, यरीह रीह पर से ये शब्द आया, इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट यानी कि खुशबू, और दूसरा एक मतलब होता है उसका मून यानी चंद्रमा या चांद। ये दुनिया एक फ्रेग्रेंट की तरह, एक खुशबू की तरह बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुहानी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, लेकिन हमेशा खुशबू का एक प्रभाव रहता है, बहुत छोटे थोड़े समय के लिए होता है। ये दुनिया का जीवन भी बहुत थोड़े समय के लिए है प्यारे दोस्तों, खुशबू की तरह जिन हम जन्म लेते हैं और कुछ ही सालों में इस दुनिया को छोड़ के चला जाना, कुछ नहीं हमारे पास रहता, ये खुशबू भी कुछ समय के लिए हमें बहुत अच्छी सुहावनी लगती है लेकिन धीरे धीरे ये खुशबू खत्म हो जाती है। और दूसरा जो मतलब होता है मून यानी चंद्र या चांद, चांद भी आप देखिए ना, हम लोग कहते हैं ऐसे हिंदी में चार दिन की चांदगी, फिर अंधेरी रात, चार दिन की चांदगी चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती है। जिंदगी ऐसी ही है, चांदनी लगती है हमें बहुत अच्छी बहुत प्यारी, लेकिन एक दिन ये जिंदगी अनमोल जिंदगी खत्म हो जाती है। यीशु मसीह को जाने बिना जो लोग मर जाते हैं उनके जीवन के लिए कितना अफसोस हो जाता, उनको लगता यही जीवन है, यही अच्छा है, सब कुछ बराबर है, लेकिन अफसोस की बात है कि दुनिया के पैसे, दुनिया की धन दौलत कुछ भी वो हासिल नहीं कर सकते, आखिर रात में उन्हें दोजख या नरक ही में मिलता है। इसलिए ये जो मतलब है ये दुनिया का सही नहीं है, ये ना तो चंद्रमा है ना तो खुशबू, थोड़े समय का है। लेकिन हम देखते हैं दोनों अर्थ के साथ साथ हम यरीहो के बारे में देखते हैं, वह सुनकर कि यीशु नाजरी है, यीशु नाजरी, हम लोग जानते हैं नाजरेत के बारे में, नाजरेत का मतलब ही होता है बेनामी या कुछ भी मतलब के बिना का गांव, यानी कोई जिसके मायने नहीं है। लोगों का आज संसार का जीवन बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत खुशनुमा लगता है, लेकिन स्वर्गीय जीवन के बारे में किसी को कोई पड़ी नहीं, वो नाजरेत की तरह है, किसी को इसके बारे में कोई ये नहीं है कि चलो स्वर्ग राज्य के बारे में हम खोज करें, क्योंकि स्वर्ग के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। सब लोग इस दुनिया की खुशियां, दुनिया के पैसे, दुनिया का धन दौलत इसी के चक्कर में पड़े,
लेकिन स्वर्ग का राज्य को हम बहुत मामूली समझते हैं। लेकिन हमें समझना है, यीशु नाजरी है, उसने पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया। मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा होगा, उसके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया होगा, उसका नाम भी नहीं कोई रखा होगा, उसे ऐसे ही त्याग दिया होगा, उसने जो अंगीकार किया, बहुत बड़ा अंगीकार किया, उसने कहा हे दाऊद की संतान। प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दाऊद की संतान कहना बड़ी हिम्मत का काम है। ये बड़े विद्वान और बाइबल के स्कॉलर ही कह सकते थे, और कोई नहीं कह सकता, क्योंकि दाऊद की संतान कहने का मतलब ये था कि उद्धार करता। दाऊद की संतान कहने का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार, आप अपनी बाइबल से निकालिए, पहला अध्याय और पहला ही पद जो हमें बहुत ही प्यारी वचन में समझाता है। मत्ती कहता है, मत्ती कौन था, हम जानते हैं कि मत्ती एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और एक चुंगी लेना वाला व्यक्ति था और बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। उसने पहले ही शब्दों में, पहले ही वचन में, पहले ही कलाम में ये कहा है, अब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही नहीं कह दिया उसने, वो बहुत पढ़ा लिखा चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान कहकर यीशु मसीह को पहले ही वचन में सिद्ध कर दिया कि वो आने वाला मसीहा है। हालेलुया, वो आने वाला यीशु मसीह है जिसने पूरे दुनिया को जिसने बचाना है, और इसलिए उसने ये बात को जाहिर कर दी कि वो कोई आम आदमी नहीं। उसकी वंशावली दिखाने से ये उसके माता पिता का नाम नहीं बता रहा है, सीधे सीधा वो अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान कहकर वो यीशु मसीह को दुनिया का उद्धारकर्ता के रूप में वो स्वीकार कर रहा है। आगे एक और वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 8 और 9। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्न। प्यारे दोस्तों, ये शब्द बड़े आसान लगते हैं, जब हम सुनते हैं ना बड़े आसान लगते हैं, लेकिन ये पुकार करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस जमाने में किसी को दाऊद की संतान कहना एक बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दाऊद की संतान उसी को कहा जाता था जो दुनिया का उद्धार करता है। और एक अंधा व्यक्ति यदि ऐसा कहता है, एक भिखारी यदि ऐसा कहता है कि तू तो दाऊद की संतान है, तू तो उद्धार करने वाला है, बचाने वाला है, तो ये शायद लोगों के लिए बड़ा बड़ा आश्चर्यचकित बात होती, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति, एक मामूली सा व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति, यदि प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहता है तो बहुत बड़ी ऊंची बात करता है। और यहां पर मत्ती में भी हम देखते हैं 21 और 9 में कि दाऊद की संतान होसाना, हम जानते हैं कि होसाना का मतलब क्या होता है, होसाना का मतलब होता है हे परमेश्वर हमें उद्धार दे, हे परमेश्वर हमें छुटकारा दे, हे परमेश्वर हमें मुक्ति दे। ये जो बर्तिमाय का जो अंधा व्यक्ति था, वो दाऊद की संतान कहकर ये कहना चाहता था कि मुझे ये मुक्ति चाहिए प्रभु जी, मुझे मुक्ति चाहिए प्रभु। वो सिर्फ चंगाई की बात नहीं कर रहा था। आज लोग आध्यात्मिक रीति से अंधे हैं, आध्यात्मिक रीति से भिखारी हैं, लेकिन आज बड़ी सटीक पुकार हमें करना है कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, पहले उसने कहा दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर, उसने जानबूझ के यीशु शब्द इस्तेमाल किया, पहले इस्तेमाल किया हे दाऊद की संतान, उसके बाद उसने यीशु कहा। लेकिन क्या होता है, एक घटना घटती है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर और भी पुकारने लगा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जब उसने पहले पुकारा तो कहा हे दाऊद की संतान यीशु, मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं हे दाऊद की संतान यीशु, उसने यीशु शब्द पुकारा है, लेकिन जब लोगों ने उसे डांटा, उसे चुप कराने के लिए उसे धमकाया, तो उसने यीशु शब्द निकाल दिया, उसने सीधे सीधा कहा दाऊद की संतान। और मैं बहुत खुश हो जाता हूं जब ये अध्ययन करता हूं, पढ़ता हूं, क्योंकि उसने यीशु शब्द ही निकाल दिया, उसने दाऊद की संतान कहकर ये पुकारना चालू कर दिया कि तू ही उद्धार करता है, तू ही बचाने वाला है, तू ही मुक्ति देने वाला है, तू ही छुड़ाने वाला है, तू ही सब कुछ। वो यीशु कहता यीशु यीशु यीशु, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लोग को लगता ये भिखारी पैसा मांग रहा है, लेकिन उसने यीशु कहना बंद कर दिया, उसने अपने अंदर यीशु को यीशु नहीं कहा, उसने अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया कि यही संसार का बचाने वाला उद्धार करता परमेश्वर है।
और उसने कहा, ये दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वह और भी पुकारने लगा, ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, कौन ठहर गया? यीशु मसीह ठहर गया। यीशु मसीह के पीछे उसके 12 चेले थे, यीशु मसीह के पीछे उसकी बड़ी भीड़ थी, लेकिन प्यारे दोस्तों, उन सभी को छोड़कर सबसे आखिरी वाले इंसान की तरफ प्रभु यीशु मसीह ने अपना ध्यान दिया। उसके पीछे 12 चेले थे, उसके पीछे सैकड़ों लोग थे, लेकिन नहीं, जो अंधा था, जो लाचार था, जो पुकार रहा था उद्धार करता उद्धार करता उद्धार करता, दाऊद की संतान मुझे मुक्ति दे, मुझे चंगाई दे, मुझे छुटकारा दे, उसकी पुकार को उसने सुन। आज हम यीशु यीशु बहुत करते हैं, बाइबल में लिखा है कि आप मुझे यीशु यीशु तो बहुत कहते हैं, लेकिन जो मैं कहता हूं आप करते नहीं। यहां उसने यीशु कहना बंद कर दिया, उसने उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार कर लिया, उसने मुक्तिदाता के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। हम विश्वासी लोग भी बहुत बार गलती कर देते हैं, यीशु को यीशु कह देते हैं, लेकिन यीशु को उद्धारकर्ता मानने में कई बार हम कुछ गलतियां कर देते, कई बार हम अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं। ये बरतिमाई के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। एक अंधा व्यक्ति, भिखारी था, ना कोई पढ़ा लिखा था, कुछ भी नॉलेज नहीं था उसके पास, लेकिन उसने सबसे पहला आरंभ चालू किया पुकार करना, हे मुझे मुक्ति देने वाले दाऊद की संतान, जो तो आने वाला वही है। वो देख नहीं रहा था, सुन रहा था, लेकिन पुकार उसकी बिल्कुल सटीक थी। और यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, उसे ही बुलाओ। हम यीशु को किस तरह से बुलाते हैं? यीशु हमें वैसा ही बुलाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन अपना व्यक्तिगत जीवन हम यदि हम जांचेंगे ना, तो शायद हम अपने जीवन में बड़े कमजोर और बड़े मामूली से दिखाई दें, क्योंकि हम अच्छा प्रभु का नाम तो लेते हैं, भक्ति सभा में चर्च में जाते हैं, सब कुछ करते हैं जो मसीह को करना चाहिए, लेकिन शायद दिल में अभी वो स्थान हमने यीशु मसीह को नहीं दिया। ये अंधा हमें सिखा रहा है। हम क्या अपने आप को सिखाएंगे? मैं क्या आपको सिखाऊंगा? आप क्या मुझे सिखाएंगे? ये अंधा हमें सिखा रहा है, जो कुछ भी नहीं जानता, वो यीशु को यीशु नहीं कह रहा है, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहा है। आज हमें बड़ा चैलेंज मिल रहा है इस अध्ययन से, आज इन वचनों से हमें बड़ा चैलेंज मिलता है कि हम यीशु को यीशु की तरह जान रहे हैं। कुरान की मैं बात करता हूं, मैं इसलिए कुरान की बात करता हूं प्यारे दोस्तों, जितने भी मुझे ये जूम मीटिंग से सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, और मुस्लिम परिवार में यीशु मसीह को मरियम का बेटा यीशु ही कहा जाता है। यही तो गलती है इंसान की, वो मरियम का बेटा यीशु कहकर उसे बस उसकी बातें करके खत्म कर देते। कुरान में सबसे ज्यादा बात यीशु मसीह की होती है, लेकिन उद्धारकर्ता के रूप में नहीं होती। यही तो आज इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, यीशु को यीशु के रूप में जानता है, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानता। एज ए मुस्लिम मुझे भी नहीं मालूम था, मैं भी नहीं जानता था यीशु मसीह के बारे में। मुझे ऐसा लगता था क्रिश्चियन लोगों का भगवान है, मुझे लगता है क्रिश्चियन लोगों का पैगंबर है, मुझे लगता था इनका है, अरे इनको तो मार दिया था। आज मुस्लिम लोग मानते हैं कि यीशु मसीह तो मरा ही नहीं है, वो यहूदा को मार दिया, यीशु तो जिंदा ही है, वो मरा ही नहीं है, क्योंकि वो यीशु को यीशु की तरह जानते। मैं भी यही गलती करता था। मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, मेरा लालन पालन एक मुस्लिम परिवार में हुआ, मैं मदरसे में जाता था, कुरान पढ़ता था, मुझे नहीं मालूम था कि यीशु मसीह कौन। मेरी भी आंखें चुंधिया गई थी, मैं भी अंधा था। आई डोंट नो अबाउट जीसस क्राइस्ट, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैंने यीशु को सिर्फ यीशु की तरह जाना, लेकिन जिस दिन मैंने यीशु को मुक्तिदाता के रूप में मान लिया, उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया, तब मैं समझ पाया कि यीशु यीशु नहीं है, वो मेरा मुक्तिदाता है। बोलिए हालेलुया। ये आज हमारे लिए बड़ा चैलेंज की बात, छोटा सा अध्याय है, छोटा सा अध्ययन है, छोटे से कलाम है, हमने कई बार इसको पढ़ा लेकिन कभी जीवन में लागू नहीं किया। आज हमें उसको एप्लीकेशन में लाना पड़ेगा, उसको लागू करना होगा, हमें समझना होगा ये वचन हमें क्या चैलेंज दिखाते हैं, क्या समझाते हैं। यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जानना बहुत जरूरी है, यीशु को मसीह के रूप में जानना बहुत जरूरी, जो बरतिमाई ने जान लिया। यहां पर देखते हैं उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता। कितने लोग थे? 12 चेले थे यीशु मसीह के पीछे, कई अनगिनत लोग थे, लेकिन बुलाया सिर्फ एक व्यक्ति को। हम लोग यीशु के पीछे चल तो रहे हैं,
यीशु को मान तो रहे हैं, क्या यीशु हमें बुला रहा है? क्या जीसस क्राइस्ट कॉलिंग अस? क्या वो हमें नाम लेके बुला रहा है? आज हमारे जीवन को जांचना चाहिए हम कि यीशु मसीह हमें अपने नाम देकर, मेरा नाम देकर मुझे बुला रहा है। भरी जवानी में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, 22 साल की उम्र में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसी साल से मैंने सेवा करना आरंभ कर दिया, मैंने सब कुछ त्याग दिया। 50 वचन कहता है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। बड़े ध्यान से सुनना आप, ये वचन हमें बहुत आसान लगते हैं जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें उसके रेवल्यूशन नहीं मालूम, इसलिए वचन बड़ी साधारण कहानी लगती है। ये कहानी हमने संडे स्कूल से सीखी है, ये कहानी हमने हमें कई पास्टरों के द्वारा सीखी है, लेकिन कभी अपने जीवन में इसको लागू नहीं किया, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं, इसलिए हम अपने जीवन में निष्फल हो जाते हैं। यहां पर लिखा है, अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, तुरंत उठा। क्या फेंका उसने? कपड़ा फेंका। ये कपड़ा अपने आप को जो लपेट के बैठा था, ये धर्म के चक्करों में फंसा था। मैं और आप लोग यही रीति रिवाज, रिचुअल्स, ये सारी चीजें, परंपराएं, उसी में तो फंसे और इसी को निकाल के फेंकना है। और शीघ्र उठा, जो कभी उठता नहीं था, बैठे बैठे भीख मांगता था, उसका उठना जायज नहीं था, वो बैठे बैठे बड़ी मायूसी से लोगों से भीख मांग रहा था, लेकिन आज वो मायूसी चली गई उसके जीवन से। जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया ना प्यारे दोस्तों, मेरे जीवन से सारी मायूसी चली गई, सारी निराशाएं चली गई। मैं आज खुशहाल जिंदगी जीता, हाँ मैं आज बहुत मामूली सा जीवन जीता हूं, लेकिन मेरा आत्मा, मेरा मन, मेरी सेवा, मैं बहुत खुश हूं आज अपने जीवन से, क्योंकि मैंने जीवन में भौतिक बातों को नहीं पाया, क्योंकि भौतिक बातें जो पुराने नियम की दीवार तो कब की टूट चुकी है, उन दीवारों को क्या ढूंढूंगा मैं? जैसे हम अभी देखते, अर्थक्वेक आया और सारा तितर बितर हो गया, टूट कर बिखर गया, कुछ नहीं रहा हमारे पास, कितनी जाने चली गई, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें खत्म हो गई। ये जिंदगी इसी तरह से है, एक हवा का झोंका आएगा, खत्म हो जाएगी, क्या बटोरेंगे हम? कुछ भी नहीं रहेगा, राख और मिट्टी, धूल और धुआं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आने वाला। लेकिन हमने जो हासिल किया, यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता, हमारा बचाने वाला, हमारा मुक्तिदाता है, हमारा परमेश्वर है, हमारा खुदावन है, वो हासिल कर लिया तो दुनिया का सब कुछ हमें मिल गया। आगे देखते हैं, अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आए। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता, यीशु के पीछे 12 चेले थे, बड़ी भीड़ थी, यीशु के पास आना बड़ा मुमकिन नहीं था उसके लिए, नामुमकिन सा था, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को चीरते हुए यीशु के पास आना आसान नहीं। हमें लगा, हमने पढ़ा ना, बहुत आसान लगता है, तो वो यीशु मसीह के पास आया। सबसे पहले हम देखते कि वो अंधा था, और दूसरा उसके सामने बड़ा अवरोध था, लोग थे, चेले थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यीशु ने कहा ना, बुलाया ना उसे, तो भीड़ ने अपने आप रास्ता दे दिया। ये मुश्किल है ना, रास्ता छोड़ देगी आप, ये जितनी भी दुनिया की चीजें है, धर्म के चक्कर, ये सारी चीजें है ना, ये अपने आप रास्ता दे देगी आपको, लेकिन आप उठना होगा, आपको विश्वास करना होगा, आपको आगे निकलना होगा। हम यही बस उम्मीद, ऐसे ही बस कमजोरी में बैठे रहेंगे तो कोई रास्ता नहीं देगा। यहां पर देखते हैं, यीशु के पास आया, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बड़े ध्यान से सुनिए, हम बहुत अंतिम विभाग में है, बड़े ध्यान से सुनिए। 12 चेले यीशु के पास क्या क्यों आए? अपना जीवन समर्पण करते हुए बस यीशु के चेले बनने के लिए आए? कई लोग क्यों आए थे? उम्मीद लेकर आए, लेकिन ये व्यक्ति के लिए यीशु मसीह उम्मीद पूछता है कि तेरी इच्छा क्या है, तेरी उम्मीद क्या है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे ले गया? पर प्रभु यीशु मसीह भी तभी काम करेगा जब हम अपना विश्वास कार्य में लाएंगे, जब हम अपना कदम बढ़ाएंगे यीशु मसीह की ओर। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, बड़े ध्यान से सुनिया, उस जो जो पुकार रहा है ना, उसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य। पहले उसने कहा, हे दाऊद की संतान, फिर कहा, हे यीशु, फिर कहा, हे दाऊद की संतान, अब कह रहा है रब्बी। बड़े ध्यान से आप लोग जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जैसे यूहन्ना ने कहा, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने, कि देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है, तो दो चेलों ने ये सुना तो उसके पीछे हो लिए, है ना। लेकिन यहां पर देखिए, उन्होंने कहा, रब्बी तू कहां रहता है, क्योंकि उन्होंने देखा और उन्होंने सुना। ना तो बार्तिमाई ने यीशु के बारे में कुछ नहीं सुना था, या कुछ यीशु मसीह को देखा नहीं, फिर भी उसने रब्बी कहा। रब्बी का मतलब आप लोग जानते हैं, भली भांति उर्दू में होता है, रब के पास ले जाने वाला,
रब का रास्ता दिखाने वाला, रब की पहचान कराने वाला। हालांकि हिंदी और संस्कृत में इसे गुरु कहा जाता है, लेकिन उर्दू में बहुत अच्छा वर्ड है रब, रब्बी यानी रब के पास ले जाने वाला। उसने रब्बी कहा यानी कि तू मुझे खुदावंद के पास ले जाने वाला, मेरा मसीह है, मेरा उद्धार करता है। रब्बी यह कि मैं देखने लगू। आप लोग देखते हैं 40वें वचन में वो भीख मांग रहा था, उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन अब उन सारी चीजों को उसने छोड़ दिया। पैसे, भौतिक चीजें, सारी चीजें उसने नहीं मांगी। उसने जो मांगा वो बहुत बड़ी चीज मांगी, जो किसी के पास नहीं मांगा। उसने कहा ए रब्बी मैं देखने लगू, मुझे देखना है अभी, बस मुझे पैसा नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, कोई चद्दर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भौतिक चीजें, मुझे चाहिए दृष्टि चाहिए, मुझे चाहिए आंखें चाहिए, मुझे प्रभु देखना है। 52वां वचन क्या कहता है, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यहां पर शब्द ध्यान से सुनिए, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया लिखा है, तू देखने लगे ऐसा नहीं कहा। बड़े ध्यान से सुनिए, यदि कहा हो तो यीशु ने कि तू देखने लगे तो वो देखने ही लगता और कुछ नहीं समझना, लेकिन उसने कहा चंगा हो जाए। कौन सी चीजों में चंगा हो जाए? शारीरिक रूप में चंगा हो गया वो देखने लगा, आध्यात्मिक रूप में चंगा हो गया कि वो समझ गया कि यीशु मसीह कौन है, भौतिक रूप में समझ गया कि वो कौन है, मानसिक रूप में वो समझ गया कि यीशु मसीह कौन है, मुझे अभी भिक्षा नहीं मांगनी, मुझे भीख के पीछे नहीं पड़ना है, ये रास्ते में नहीं बैठना। उसने क्या, सारी चीजें उसकी बदल गई और कहता है वह तुरंत देखने लगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और आपको मैं बताना चाहूंगा, मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। जब हमने इस शास्त्र भाग का अध्ययन आरंभ किया था तब हमने देखा था अंधा बर्तिमाई रास्ते के किनारे बैठा था, उसकी जो स्थिति थी भौतिक, वो बैठा था भीख मांग रहा था, यानी मांगने का काम कर रहा था, बैठा हुआ था रास्ते के किनारे था। लेकिन नहीं, जैसे यीशु मसीह को उसने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अब वो देखने तो लगा भौतिक रीति से, लेकिन अब वो यीशु के पीछे हो। मैं आपको और एक चीज बताना है और फिर मेरा संदेश आज खत्म करूंगा। अब तक वो मांग रहा था, अब तक वो पैसों को या कुछ चीजों को मांग रहा था, लेकिन अब वो देने वाला बना। क्या देने वाला? गवाही देने वाला। हालेलुया, अब वो गवाही देने वाला बना। अब वो बता रहा है कि नहीं, यीशु मसीह जिंदा खुदा है जिसने मेरी आंखों को अंधापन को दूर कर दिया, मुझे देखता कर दिया, ये खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदा है। वो जहां जहां जाता है ना वो गवाही देता होगा, यीशु के पीछे हो गया। आज हम क्या दे रहे हैं? यीशु ने तो उसने अपना लहू बहा दिया, यीशु ने अपना जीवन दे दिया, हमने क्या दिया? यही सवाल के साथ आज का संदेश मैं यहाँ खत्म करता हूँ। आप सबको प्रभु बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। जय मसीह।